हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? मैं आशुतोष आप लोग के बीच आज लाए हैं नोटपैड। नोटपैड का यूज देख लीजिए किस तरीका से। नोटपैड जो होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में नोटपैड ही चालू किया जाता है। सिंपल स्टेप देखिएगा, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं ऑल प्रोग्राम देख लीजिएगा, या नोटपैड भी यहाँ सर्च मार सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं नोटपैड। नोटपैड देखिएगा, यहाँ जैसे इस पर क्लिक करेंगे तैसे यहाँ खुल जाएगा। इसको बोलते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज से बड़ा कर यहाँ छोटा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रजिस्टर, जिसको बोलते हैं यहाँ से मैक्सिमाइज। जैसे यहाँ से मैक्सिमाइज करेंगे तैसे आपका बड़ा होगा, मिनिमाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर इसी पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सब दिख रहा है, फाइल एडिट फॉर्मेट और व्यू हेल्प, ये सब क्या है, मेनू है। मेनू है ये सब कैसे करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए कि फाइल मेनू बता रहे हैं, मान लीजिए कुछ लिख लेते हैं, यहाँ से मान लीजिए कुछ लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल मेनू, फाइल मेनू में जान रहे आप लोग, न्यू, न्यू मतलब होता है नया पेज। कैसे हम लोग नया पेज ले सकते हैं, मान ली कुछ इसमें लिखा हुआ न्यू पे लेना चाहते हैं, जैसे न्यू पर क्लिक करेंगे और डोंट सेव करेंगे तो नया पेज आ जाएगा, आ गया। उसके बाद है ओपन। ओपन मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग ओपन कर सकते हैं, जो लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग सेव किया हुआ रहेगा उसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। मान ली कि यहाँ से डॉक्यूमेंट में होगा या डाउनलोड में होगा कोई भी, तो लिखा हुआ नहीं है, सेव करेंगे तो पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ से। जैसे कि मान ली कुछ लिख लेते हैं, ये मान ली कि लिखा हुआ है, बहुत सारा थोड़ा सा कर लेते हैं, ये मान ली कि ऐसे लिखा हुआ। सबसे पहले इसको सेव कर दिए, सेव या किसी भी नाम से सेव कर दिए, यहाँ से डॉक्यूमेंट में सेव है, सेव कर दिए। देखिएगा सेव हो गया। फाइल में जाएंगे, न्यू पेज पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और क्या नाम सेव है, AS। जैसे ओपन करेंगे खुल जाएगा, बार बार जितना बार खोलेंगे। अगला सेवेज, सेवेज मतलब होता है एक ही नाम को अनेक नाम से सेव करने के लिए। मान लिया अगला अलग नाम से कर दिया, मान लिया कि SS कर दिए, सेव कर दिया, दो नाम से खोलेंगे तो खुल जाएगा। न्यू पे लीजिएगा, ओपन कीजिएगा, अगर SS भी खोलेंगे तो वही चीज़, अब AS भी खोलेंगे तो वही चीज़ मिलेगा। अगला क्या है, पेज सेटअप। हम लोग पेज को कैसे सेट कर सकते हैं, यहाँ पेज है, ये पेज को सेट करना है। जैसे कि A4 साइज है, जी मान ली कि A5 में निकालना है, तो A5 देखिए कैसा आ गया। मान ली कि लैंडस्केप करें, लैंड के देखिए पेज कैसा हो गया। इस तरह का जब भी रखिएगा तो पोर्ट्रेट में ही रखिएगा, इस तरीका से लेफ्ट राइट छोड़ने के लिए है, चौथाई भाग छोड़ भी सकते हैं। कैंसिल करते हैं, फाइल में जाएंगे, अगला क्या है, प्रिंट है, हमको प्रिंट से निकालना होगा, तो यहाँ से प्रिंटर लगा हुआ, जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे प्रिंट हो जाएगा। अगला क्या है, एग्जिट। एग्जिट मतलब होता है बंद, मतलब हम लोग आसानी से बाहर निकल सकते हैं। एडिट मेनू देखिएगा, सबसे पहले कट कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, कट कर दिए, कट हो गया। वापस कैसे लाएंगे, एडिट में जाएंगे, अंडू कर देंगे, वापस आ जाएगा, आ गया। इसके बाद क्या है, अगला पेस्ट है। पेस्ट कैसे काम करेगा, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी पे क्लिक करेंगे और जितने बार यहाँ से पेस्ट करेंगे उतने बार हम लोग आसानी से ला सकते हैं। देखिएगा बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है ना, इस तरीका से हम लोग ला सकते हैं, इस तरीका से हम लोग चेंज कर सकते हैं। जितना बार पेस्ट करेंगे उतना बार हम लोग आसानी से ला सकते हैं। अगला क्या है, डिलीट। डिलीट कैसे करेंगे, मान ली कि सेलेक्ट कर दिए, एडिट में जाएंगे और डिलीट पे क्लिक, क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, अंडू कर देंगे वापस ला सकते हैं। अगला क्या है, यहाँ से फाइंड। फाइंड मतलब होता है ढूंढना, मैं जिसे मान ली कि हमको देखना है कि राम कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, राम पे क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए राम कहाँ है, कहाँ कहाँ राम है, हाईलाइट कर रहा है ना, इस तरीका से हम लोग ढूंढ सकते हैं, इस तरीका से ढूंढ सकते हैं। अगला क्या है, यहाँ से फाइंड डायरेक्ट काम करेगा, फाइंड प्रीवियस है मतलब पीछे वाला काम करेगा, पीछे लौटेगा डायरेक्ट। फिर अगला क्या है, रिप्लेस है। रिप्लेस का मतलब होता है चेंज, जैसे राम के जगह हम करना है सीता, डाल दिए कर्सर को शुरू में रख लीजिएगा और यहाँ से रिप्लेस पर करेंगे तो एक एक होगा, लेकिन रिप्लेस और कर देंगे तो एक ही बार में सारा हो जाएगा। तो इस तरीके का देखिएगा, जहाँ जहाँ राम था वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, सीता हो गया। इस तरीका से हम लोग आसानी से चेंजिंग कर सकते हैं।
अगला क्या है, अगला है आपका एडिट में जाएंगे, अगला क्या है गो टू। गो टू कब काम करेगा, ये क्या करेंगे इसको हटा लेंगे तब गो टू काम करेगा। अब यहाँ से एडिट में जाएंगे, अब गो टू काम, गो टू होता है किस लाइन में काम करना चाहते हैं। जैसे कि इसको लाइन को यहाँ से काट दिए, यहाँ से लाइन को काटा हुआ है बीच बीच में, यहाँ से मान लीजिए लाइन है, ये मान लीजिए कि लाइन है, ये यहाँ से लाइन है। अब यहाँ से क्या करें, गो टू पे क्लिक करें, कौन लाइन में काम कर रहा हूँ उनको, तीसरा लाइन में काम कर रहा है। जैसे गो टू कर देंगे, कौन में आ गए, थ्री लाइन में, देखिए कर्सर क्या है, थ्री लाइन में आ गया। अगला क्या है सेलेक्ट, और सेलेक्ट मतलब पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। एडिट में जाएंगे और कट कर देंगे, डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, अंडू कर देंगे वापस ला सकते हैं। अगला क्या है, अगला है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट लाना चाहते हैं, देखिए टाइम एंड डेट आसानी से ला सकते हैं। अगला क्या है, यहाँ से अगला है, यहाँ से वर्ड रैप। वर्ड रैप पर इसलिए करते, जैसे आप लिखेंगे तो देखिएगा अंदर की ओर जा रहा है, देखिए देखिएगा इस तरीका से अंदर आपका, देखिएगा इस तरीका से घुसने लगा, घुस रहा है ना। तो इसको कैसे हम लोग लाएंगे, इसको यहाँ से जाएंगे वर्ड रैप हटा देंगे तो अंदर, देखिएगा अंदर घुस रहा है एकदम पूरा इस तरीका से। वर्ड रैप पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसी वाला को नीचे आ जाएगा। अगला क्या है, फॉन्ट है। फॉन्ट में हम लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट है, राइटिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ से राइटिंग को बड़ा कर सकते, जितना बड़ा करना होगा बड़ा आसानी से कर सकते हैं। फॉन्ट में राइटिंग चेंज करना होगा, यहाँ से राइटिंग भी आसानी से, कोई भी राइटिंग देना चाहते हैं यहाँ से राइटिंग को आसानी से चेंजिंग कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, चेंज हो रहा है ना। व्यू है, व्यू में जूम है, जूम से जूम इन कर सकते हैं, मतलब बड़ा छोटा, और जूम आउट से यहाँ से कर सकते हैं। ये आपका काम नहीं कर रहा है इसे। ये था आपका नोट पैड में, इसमें ज़्यादा वैसा खास चीज़ नहीं है, इसमें हम लोग ज़्यादातर HTML के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए नोट पैड बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।